हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। आईपीएल के गवर्निंग काउंसिलिंग टूर्नामेंट के फाइनल तारीख 8 नवंबर से बढ़ाकर 10 नवंबर करने पर विचार हो सकती है। इसके पीछे सभी हितधारकों को दिवाली के सप्ताह का अधिक इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। इस पर कोई आधिकारिक फैसला अगले 3 दिनों में होने वाली गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में लिया जाएगा। इस साल दिवाली 14 नवंबर को है। 2 दिन बढ़ जाने का अर्थ यह है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए यूएई में सीधी उड़ान भरेगी और भारत नहीं आएगी। आईपीएल की तारीख 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच घोषित की गई थी। बीते एक सप्ताह से इन्हीं तारीख पर चर्चा हो रही है। हालांकि जब इस साप्ताहिक आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, इसमें फाइनल 2 दिन आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसमें यह टूर्नामेंट 51 डे से बढ़ाकर 53 दिन का हो जाएगा। प्रसारणकर्ता इस शेड्यूल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और उनसे इसे लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। स्टार का दिवाली के सप्ताह का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग ने इसे 26 से बजाय 19 सितंबर से करवाने का फैसला किया है। इससे लीग 44 की बजाय 51 दिनों की हो गई है। अगर इस बार भी तारीख बढ़ाई जाती है तो यह पहला मौका होगा जब लीग का फाइनल रविवार को नहीं होगा। 10 नवंबर को मंगलवार है, इसलिए मामले को करीब से देख रहे लोग का कहना है कि दिवाली का पूरा सप्ताह ही वीकेंड होता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने पहले कहा था कि फाइनल की तारीख को 8 से 10 नवंबर करना संभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए कमिटमेंट के चलते भारतीय टीम को आईपीएल के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना है। यानी कि अब अगर तारीख बढ़ जाती है तो भारतीय टीम यूएई से टूर्नामेंट के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएगी। हालांकि पहले योजना थी कि वहां जाने से पहले खिलाड़ी भारत में लौटेंगे। मामले को करीब से देखने वाले सूत्र का कहना है कि यहां तक कि खिलाड़ी जिनका कोई आईपीएल मैच बाकी नहीं है, वे भी यूएई में ही रहेंगे और वहीं कैंप में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आईपीएल का समाप्त होगा, बाकी खिलाड़ी जो नॉन आउट मैच खेलने में व्यस्त थे, बाकी टीम के साथ जुड़ जाएंगे और पूरी टीम वहाँ से एक साथ उड़ान भरेगी। इन सब पर फैसला अभी हालांकि विचार ही हो रहा है और आखिरी फैसला गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है और टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।